वेलकम बैक टू माय चैनल कैड कैम मेंटोर। सोलर वर्स के आज के इस बारे में ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सरफेस की मदद से इस ज्योमेट्री को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और सोलर वर्स के डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में से मैं स्केच को इम्पोर्ट करूँगा, जिसका एड्रेस आप इस तरह फॉलो कर सकते हैं। सी के अंदर आकर यूज़र्स के अंदर आएंगे पब्लिक, और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे। इसके बाद सॉलिड वर्क्स 2018 सैम्पल्स ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर हम सरफेस को चूज़ करेंगे और नोज़ल के स्केच को हम ओपन करेंगे। स्केच आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। हम सरफेसेस के अंदर आकर सिंपली लोफ्टेड सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इन दो सर्कल्स को यूज़ करेंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट एक मॉडल क्रिएट हो चुका है, सरफेस क्रिएट हो चुकी है। इसके हम स्टार्ट एंड एंड कॉन्स्टेंट के अंदर नॉर्मल टू प्रोफाइल, और इसी तरह एंड के अंदर नॉर्मल टू प्रोफाइल चूज़ करके इनके वैल्यूज़ को 0.5 के ऊपर सेट कर देंगे। ओके, अब हमें स्वेप्ट सरफेस की मदद से प्रोफाइल के अंदर हम स्केच को चूज़ करेंगे और पाथ के अंदर हम इस लाइन को चूज़ करेंगे। इसके बाद गाइडेड कर्व्स के अंदर हम इस कर्व को चूज़ करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि सिंपली ये सरफेस हमने लोफ्टेड स्वेप्ट सरफेस की मदद से क्रिएट कर ली। अब इसके बाद हम लोफ्टेड सरफेस के अंदर आएंगे और प्रोफाइल के अंदर हम इस स्केच को चूज़ करेंगे, और पाथ के अंदर हम स्केच को स्वेप्ट सरफेस की हम ऑप्शन को चूज़ करेंगे। प्रोफाइल के अंदर हम स्केच को चूज़ करेंगे और प्रोफाइल जो हमारे पास पाथ है उसके लिए हम इस कर्व को चूज़ करेंगे। इसके बाद गाइड कर्व्स के अंदर आकर हम इस कर्व को चूज़ करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट सरफेसेस को स्केच की मदद से क्रिएट कर लिया है। अब हम इन सरफेसेस को आपस में ज्वाइन कराएंगे। तो ज्वाइन कराने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इन तमाम सरफेसेस के ऊपर चार एजेस होने चाहिए। जैसे इस सरफेस के ऊपर चार एज हैं, लेकिन इसके ऊपर एक है और इसकी तरह इसके ऊपर एक है। तो चार एज बनाने के लिए हम इस स्केच को यूज़ करेंगे। उसके लिए आप सरफेस के अंदर कर्व के अंदर आएंगे और स्प्लिट लाइन की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। टाइप ऑफ स्प्लिट आप प्रोजेक्शन रखेंगे। सिलेक्शन के अंदर आप इस स्केच को चूज़ करेंगे, और हमारे पास जो है फेस टू स्प्लिट, इसके अंदर आप इस फेस को चूज़ करके ओके कर देंगे। तो अब आप देखें कि हमने स्केच की मदद से इस फेस को चार हिस्सों में डिवाइड करवा दिया। इसी तरह हम इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। सिंपली कर्व्स के अंदर आएंगे और स्प्लिट लाइन की ऑप्शन को चूज़ करके स्केच को चूज़ करेंगे, और फेस के अंदर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके करें। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो सरफेस है ये चार एजेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इन एजेस को मदद से हम सरफेस को क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप लोफ्टेड सरफेस के अंदर आएंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे, और इसी तरह इस एज को सिलेक्ट करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सरफेस जनरेट हो चुकी है। इसमें हम स्टार्ट और एंड कॉन्स्टेंट के अंदर हम टेंजेंसी टू फेस, और इसी तरह हमारे पास जो स्टार्ट है वो भी टेंजेंसी टू फेस होगी, ओके। इसी तरह इस एज और इस एज को भी हम लोफ्टेड सरफेस की मदद से मिलाएंगे। एज को सिलेक्ट करें, स्टार्ट और एंड के अंदर टेंजेंसी टू फेस। इसी एजेस, ये जो हमारे पास दो एज हैं, इनके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। तो लोफ्टेड सरफेस के अंदर आएंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट और एंड के अंदर आप टेंजेंसी टू फेस। लेकिन यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, और इस हिस्से में यानी एंड जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू 7 के ऊपर सेट करके इसको ओके कर देंगे। तो हमने इन तमाम की तमाम सरफेसेस को आपस में ज्वाइन करवा दिया है। अब हमारा जो हिस्सा बाकी रह गया है, हम उसको फिल्ड सरफेस की कमांड की मदद से फिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन सरफेसेस को एक सरफेस के अंदर चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप सिंपली निट सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और डिज़ाइन ट्री को एक्सपेंड करके सरफेसेस के अंदर तमाम की तमाम सरफेसेस को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को दबाकर ओके कर देंगे। अब हम फिल्ड सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इसको
जो हिस्सा हमें हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पर सरफेस प्लेस नहीं हुई वहाँ पर हम सरफेस को प्लेस करेंगे। उसके लिए आप उस व्यू को सामने लाएंगे, स्पेस दबाएंगे और व्यू टू नॉर्मल पोजीशन कर देंगे। अब हमें फील्ड सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ से इस एज को चूज़ करना है। एज को चूज़ करने के बाद आप एज के ऊपर दोबारा आएंगे तो आपके माउस के साथ एक आपको वर्टिकल लाइन नज़र आएगी। जैसे ही ये वर्टिकल लाइन आपको नज़र आए तो आप राइट क्लिक करें और सिलेक्ट ओपन लूप चूज़ करें, जिससे आपके वो तमाम के तमाम एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। एज सेटिंग के अंदर आकर आप टेंजेंट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और कॉन्स्टेंट कर्व के अंदर आकर आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और पुल पॉइंट वन चूज़ करेंगे, ओके कर दें। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो हिस्सा है ये फिल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ फील्ड सरफेस कमांड। अब हम दूसरे हिस्से को फिल करेंगे तो उसको पहले आप माउस की मदद से मूव करवा कर नॉर्मल पोजीशन के अंदर लेकर आएँ और स्पेस दबाएं और नॉर्मल टू व्यू कर दें। फिर से हमें फील्ड सरफेस के ऑप्शन को चूज़ करना है और इस एज को चूज़ करना है। एज को चूज़ करने के बाद आप एज के ऊपर दोबारा लेकर आएंगे और जहाँ पर भी आपको माउस के साथ वर्टिकल लाइन नज़र आए वहाँ पर रखकर आप राइट क्लिक करें और सिलेक्ट ओपन लूप चूज़ करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं, मेरा ख्याल है हमें सिलेक्शन के अंदर कोई मिस्टेक हुई है, हमें यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन करना है और इस एज के ऊपर क्लिक करना है और वर्टिकल लाइन नज़र आते ही हमें राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट ओपन लूप की ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये देखें, हम यहाँ पर भी एक सरफेस क्रिएट हो चुकी है। एज सेटिंग के अंदर आकर आप यहाँ से टेंजेंट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और कॉन्स्टेंट कर्व के अंदर आकर आप पुल पॉइंट टू को चूज़ करके इसको ओके कर देंगे। तो ये सिंपली हमने यहाँ पर सरफेस को भी फिल करा दिया। अब हमें यहाँ पर ये जो एज है हमें ये ओपन नज़र आ रहा है, इसी तरह ये एज ओपन नज़र आ रहा है, इनको हम क्लोज़ करेंगे, लेकिन क्लोज़ करेंगे प्लेनर सरफेस कमांड की मदद से। सिंपली हमें उन तमाम एजेस को चूज़ करना है जिनको हम क्लोज़ करना चाहते हैं, फिर से ओके, और इसी तरह हम इसको भी क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेनर सरफेस। ओके, अब हम निट सरफेस की मदद से सरफेसेस को ज्वाइन करवाएंगे। सरफेस सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबाकर तमाम सरफेसेस को सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब हम रिवॉल्व सरफेस की मदद से नीचे एक सिलेंडर बनाएंगे, इस लाइन को चूज करके ओके कर दें। मूव एंड कॉपी आप सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे, अगर आपको फीचर्स के अंदर ये कमांड नहीं मिल रही तो मूव एंड कॉपी कमांड सर्च करें और यहाँ से आप इस कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव एंड कॉपी के अंदर आप इस सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन हो तो इसको आप चेंज कर लेंगे ट्रांसलेट और रोटेट के अंदर। ट्रांसलेट के अंदर आकर आप वाई की वैल्यू -6.35 सेट करेंगे और कॉपी के ऊपर जो है इसको अनचेक कर देंगे। ओके, अब हम इन सरफेसेस को ट्रिम करवाएंगे। उसके लिए आप सिंपली ट्रिम सरफेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर ट्रिम टाइप आप म्यूचुअल सेलेक्ट करेंगे, दोनों सरफेसेस को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप रिमूव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके जो एजेस हमें नहीं चाहिए उनको आप रिमूव करके ओके कर देंगे। तो सिंपली हमने इसको रिमूव भी करवा दिया। अब हम नीचे डिफरेंट कट बनाएंगे इस स्केच की मदद से। तो उसके लिए आप एक्सट्रूडेड सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड कंडीशन आप यहाँ पर मिड पॉइंट मिड प्लेन रखेंगे और इसकी लेंथ आप 140 सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम इस स्केच को रोटेट भी करवा सकते हैं इस सरफेस को। उसके लिए आप फिर से मूव एंड कॉपी के अंदर आएंगे, कमांड सेलेक्ट करेंगे और बॉडी के अंदर आप इस बॉडी को चूज़ करेंगे और रोटेट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सिस है जो जिसके लॉन्ग हमने इसको रोटेट कराना है वो वाई है। तो वाई के अंदर आप सिंपली इसको 90 डिग्री लिखेंगे और कॉपी के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो जिससे आपकी ये बॉडी एक तो रोटेट भी होगी, दूसरा कॉपी भी होगी। इसके बाद आप ट्रिम सरफेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप ऑप्शन स्टैंडर्ड की चूज़ करेंगे, ट्रिम टूल आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कीप सिलेक्शन चूज़ करके आप इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप इसको
हाइड करेंगे, तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमने इस सरफेस की मदद से हमारी मेन सरफेस को ट्रिम करवा दिया। फिर से ट्रिम सरफेस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ट्रिम टूल के अंदर आप इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और कीप सिलेक्शन रखते हुए इस सरफेस को मेन बॉडी को सिलेक्ट करके ओके करेंगे और हमारी ये जो टूल था ट्रिमिंग के लिए उसको आप हाइड कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी ट्रिम्ड सरफेस को अनट्रिम करें, तो उसके लिए आप अनट्रिम की सरफेस को चूज़ करके किसी भी एज के ऊपर क्लिक करेंगे जिस सरफेस को आप अनट्रिम करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली अनट्रिम भी करवा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। पहले हमने इनको ट्रिम किया, और अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है बाद में कि हम इनको ट्रिम नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली अनट्रिम की मदद से सरफेसेस को अनट्रिम भी कर सकते हैं। अब चूंकि सरफेस की कोई थिकनेस नहीं होती, हमें इसके ऊपर कोई ना कोई थिकनेस अप्लाई करना होती है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसकी कोई ना कोई थिकनेस तो होगी, तो उसके लिए आप थिकन के अंदर आएंगे, सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी थिकनेस वैल्यू कोई भी आप सेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 0.5 के ऊपर सेट कर देता हूँ। ये इसकी डायरेक्शन है। अगर आप साइड वन के ऊपर इसको थिकन करना चाहते हैं, अगर आप मिड पॉइंट के ऊपर यानी दोनों साइडों के ऊपर थिकनेस देना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को चूज़ करें। अगर आप डायरेक्शन टू के अंदर साइड टू के अंदर थिकनेस देना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को चूज़ करें। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप ये देखें इसके ऊपर एक थिकनेस भी अप्लाई हो चुकी है। मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए आप इसका सेक्शन व्यू भी ले सकते हैं। सेक्शन की व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करें, तो अब आप ये देखें कि हमने सिंपली इसके जो है सरफेस को थिकनेस भी अप्लाई कर दी। तो इस तरह आप सरफेसेस की मदद से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत इससे हेल्प हुई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर वेल्डमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और जिस तरह मैं एक सवाब की नीयत से इस काम को कर रहा हूँ, आप भी सवाब की नीयत से इस काम को शेयर करें। इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।